दोस्तों जोमैटो में जितने भी राइडर अभी करंटली काम कर रहे हैं उनको कोई ना कोई मेडल मिला हुआ है, जैसे कि ब्लू पार्टनर मेडल, ब्रॉन्ज पार्टनर मेडल, इसके अलावा सिल्वर और डायमंड पार्टनर मेडल। यानी कि जितने भी राइडर अभी काम कर रहे हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कोई ना कोई मेडल मिला हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ कि इन मेडलों का क्या बेनिफिट आपको मिलता है। जोमैटो प्रोग्राम मेडल में उन राइडरों का फ़ायदा होता है जो अच्छी परफॉर्मेंस देकर कस्टमर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है और आप कस्टमर को ऑन द टाइम वो ऑर्डर डिलीवर करते हो, यानी कस्टमर को आप पूरा एक्सपीरियंस देते हो, तो इसमें राइडर को मेडल के परफॉर्मेंस के आधार पर काफ़ी फायदा होता है। अब दोस्तों मेडल प्रोग्राम को डिटेल से समझते हैं। दोस्तों जोमैटो राइडर को परफॉर्मेंस के आधार पर चार मेडल में से कोई एक मेडल दिया जाएगा। सबसे पहला मेडल होता है ब्लू, उसके बाद आपका ब्रॉन्ज, उसके बाद आपका सिल्वर, उसके बाद आपका डायमंड पैटर्न मेडल होता है। जो आपका डायमंड पैटर्न मेडल होता है ये आपका सबसे टॉप यानी ऊपर का होता है, और आपका जो ब्लू होता है वो सबसे नीचे होता है। ये चार आपके मेडल होते हैं। जो राइडर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको डायमंड पैटर्न मिलेगा, यानी चारों में से उसको टॉप जो डायमंड पैटर्न होता है वो उसको मिलेगा। परफॉर्मेंस मीन्स यहाँ पर होता है कि वो जितने भी गिग्स बुक करेगा वो टाइम पर उनको कवर करेगा, यानी कि टाइम पर ड्यूटी पर आएगा और उनको यानी कि जितने भी गिग्स बुक किए हैं उनको वो फिनिश करेगा। इसके अलावा कस्टमर के पास ऑन द टाइम सपोर्ट वो ऑर्डर डिलीवर करेगा और कैंसिलेशन और डिनाइल ऑर्डर वो नहीं करेगा। और जोमैटो राइडर की मेडल कैटेगरी जितनी ही टॉप जितनी ही ऊँची होगी उतने ही उसे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले उसके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, ऑर्डर ज़्यादा रिसीव होंगे, गिग्स एडवांस बुकिंग कर सकता है चार दिन पहले। यानी कि अगर आपको ब्लू मेडल मिला है या फिर आपको सिल्वर मिला है तो आप एक दिन या फिर दो दिन पहले ही आप गिग्स बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायमंड या फिर आपको सिल्वर मिला है तो आप तीन या चार दिन पहले ही आप गिग्स बुक कर सकते हो। इसके अलावा कैश लिमिट इंक्रीज़ होगी। अगर आपको डायमंड या फिर सिल्वर पार्टनर आपको मेडल मिला है तो आपकी जो कैश लिमिट होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जैसे कि ब्लू पार्टनर मेडल को अगर उसकी 2000 या 1500 रुपये कैश लिमिट है तो आपकी 4 से 5000 कैश लिमिट होगी। इसके अलावा डायमंड पार्टनर में अगर आपको मेडल में रखा गया है तो आप जोमैटो टीम से आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो जोमैटो एप्लीकेशन के थ्रू। ये आपको चार बेनिफिट मिलते हैं अगर आप डायमंड पार्टनर आप बन जाते हो। अब बात आ जाती है इन चारों मेडल में से सिल्वर या डायमंड पार्टनर आपको मेडल कैसे मिलेगा। मैं आपको सिल्वर या डायमंड मेडल आपको बताऊंगा कि आप कैसे पा सकते हो, कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आप डायमंड या फिर सिल्वर पैटर्न बन सकते हो। सबसे पहले देखिए डिलीवर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर बिना डिनाइल और कैंसिलेशन का आपने ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करना है। कोई भी ऑर्डर आपको डिनाइल या फिर कैंसिलेशन आपको नहीं करना है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेकेंड ऑन टाइम ऑर्डर, यानी कि अगर आपके पास किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है आप उस ऑर्डर को डिले ना करें, यानी कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया तुरंत आप होटल या फिर रेस्टोरेंट के पास जाइए जहां से वो ऑर्डर आपको पिक करना है, और वहां से ऑर्डर लेके रिसीव करके आप कहीं भी ना रुकिए, कस्टमर के पास सीधा जाइए और टाइम पर उनको ऑर्डर डिलीवर करें। अब तीसरा पॉइंट कंप्लीट गिग्स, यानी कि जो भी गिग्स आप बुक करते हैं कभी भी उसे कैंसिल ना करें, और जो भी आपने गिग्स बुक किए हैं ऑन द टाइम आप अपने लोकेशन में पहुंच जाइए और अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए। अब फोर्थ नंबर स्टार गिग्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप गिग्स बुक करते हैं तो वहां पर कई बार गिग्स के सामने स्टार बने आते हैं, कहीं पर एक या फिर दो या फिर तीन। कोशिश करें आप स्टार गिग्स ज़्यादा से ज़्यादा बुक करें जहां पर दो से ज़्यादा स्टार बने हुए हैं गिग्स के अंदर, स्लॉट के अंदर। क्योंकि दोस्तों अब ये परफॉर्मेंस यहाँ पर आपके स्टार जो गिग्स हैं उसके आधार पर आपको डायमंड पैटर्न जल्दी मेडल आपको मिल जाता है, और आपके जो स्टार गिग्स होते हैं ये लंच टाइम या फिर डिनर टाइम में ही आपके आते हैं। कोशिश करें कि आप स्टार गिग ज़्यादा से ज़्यादा बुक करें, स्टार भी कलेक्ट करें, तो आपको डायमंड पैटर्न जल्दी से मेडल मिल जाएगा। और दोस्तों जो आपके ये मेडल होते हैं वो हर हफ्ते यानी एवरी वीक वो आपके चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए आपको पिछली बार आपका सिल्वर डायमंड सिल्वर पैटर्न आपको मेडल मिला था और अगले हफ्ते आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है तो आपको फिर डायमंड पैटर्न मिल जाएगा। और अगर आप लगातार एवरी वीक अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको डायमंड पैटर्न ही मिलता रहेगा एवरी वीक, ये आपका एवरी वीक चेंज होता है। तो इसलिए आप
छुट्टी कम करें और कोशिश करें आप फ्राइडे सैटरडे संडे लॉग इन रहें। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मेडल का कि आपको मेडल कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तक सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।